स्वागत है आप लोगों का आरएमसी मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीरीज में। और आज है डे 20 और डे 20 में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टाइम पीरियड। टाइम वर्सेस टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस है, इसको समझते हैं और फिर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि टाइम पीरियड जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम पीरियड जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, बेसिकली टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। अगर आपको सपोज टाइम दिया है 2 ईयर्स, ठीक है, और आपसे अगर पूछा है, सपोज ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा है कि आपको कंपाउंडेड ईयरली निकालना है। कंपाउंडेड ईयरली का मतलब है, देखिए कंपाउंडेड ईयरली का मतलब है आप वन ईयर के पीरियड्स बनाएंगे। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, पीरियड्स की कोई यूनिट नहीं होती, ये तो नंबर्स हैं। ये तो हम जैसे हम काउंट करते हैं ना कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, उसी तरीके से कितने पीरियड्स आपके, आप स्कूल जाते हैं, आप देखते हैं ना स्कूल में 8 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं पूरी टाइम की बात करूँ तो टाइम हम स्कूल जाते हैं अराउंड 8 आवर्स, सपोज 1 घंटे का अगर एक पीरियड है तो टोटल 8 पीरियड्स विल बी देयर। ये जो टोटल 8 पीरियड्स है तो मैं काउंट कर रहा हूँ ना, 1-1 घंटे के पीरियड, तो 8 पीरियड्स हम कैसे बनाते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइम। हमें क्या, एक पीरियड कितने समय का है। अगर मैं बोलूँ कि 1 पीरियड 2 घंटे का हो जाए तो उस 8 घंटे में सिर्फ 4 पीरियड्स बनेंगे आपके। ओके, अगर मैं बोलूँ कि 4 घंटे का हो जाए अगर 1 पीरियड तो सिर्फ 2 पीरियड बनेंगे। तो वो डिपेंड करता है ना, अगर मैं आधे घंटे का बना दूँ तो फिर वो 16 पीरियड्स बन जाएंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप क्या टाइम ले रहे हैं और किस टाइम से आप पीरियड्स ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैं कंपाउंडेड ईयरली बोलूँ तो टाइम, देखिए तो जो मेरे पीरियड्स बनेंगे ना वो 1-1 साल के बनेंगे, 1 साल का 1 पीरियड फिर 1 साल का, क्योंकि 2 ईयर्स दिए ना टोटल, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। इन द सेम वे अगर मुझसे पूछा गया है कंपाउंडेड क्वार्टरली, ध्यान दीजिएगा, मुझसे पूछा गया है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली में, देखिए क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ्स। ठीक है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, अगर आप 12 × 1/4 करेंगे सो 3 मंथ्स मतलब 1 क्वार्टर। तो अगर आप 3 महीने के पीरियड्स बनाएंगे, टोटल टाइम 2 साल दिया है, समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स, 4 बार 3 लिखेंगे तो 1 ईयर होगा, फिर 4 बार और 3 लिखेंगे तो 2 ईयर्स होंगे। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पीरियड्स बनेंगे तो एन की वैल्यू 8 हो जाएगी। अगर मैं हाफ ईयरली वाला केस ले लूँ, हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 6 मंथ वाला केस ले लूँ, अगर क्वेश्चन में 6 मंथ वाला पूछा हुआ है, तो यहाँ पर 6 महीने के पीरियड्स बनेंगे तो 2 साल है, तो 6 6 6 कंप्राइजेस 1 ईयर, देन अगेन 6 6, फिर टोटल 2 ईयर्स होते हैं, तो यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू 4 आ जाएगी। उसी तरीके से अगर आपसे मंथली पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे मंथली पूछा जाए तो मंथली अगर आपको पीरियड बनाने, तो डेफिनेटली 2 साल में आपके 24 पीरियड्स बनेंगे, क्योंकि 1-1 महीने का 1 पीरियड है और 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 24 पीरियड्स। तो पीरियड्स कैसे चेंज होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि रेट भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द पीरियड। जैसे सपोज अगर रेट आपको दिया है, 12% पर एनम, ठीक है, ये पर एनम का मतलब है ईयरली आपको रेट दिया है। और अगर रेट आपको निकालना है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में याद रखना रेट भी हाफ हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 12/2% हाफ ईयरली, विच इज़ नथिंग बट 6% हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाएगा। अगर मैं क्वार्टरली की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में रेट जो हो जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 1/4 × 12, इट्स गोइंग टू बी 3%। ठीक है, क्वार्टर करेंगे उसका 1/4 निकालेंगे, 3% क्वार्टरली। मंथली में, मंथली अगर हम रेट निकालेंगे, ये तो हमें पर एनम दिया है, अगर हम मंथली निकालेंगे इट्स गोइंग टू बी 12/12%, इट्स गोइंग टू बी 1% मंथली। ठीक है, तो कैसे रेट भी चेंज होता है अकॉर्डिंगली, वो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, लेकिन ये तो यही है कि टाइम और टाइम पीरियड दो अलग अलग चीज़ें हैं। बच्चा क्यों कन्फ्यूज होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बच्चा इसलिए कन्फ्यूज़ होता है क्योंकि वो येला केस देखता है, टाइम 2 ईयर्स दिया है और पूछा आपसे कंपाउंडेड ईयरली है, और कंपाउंडेड ईयरली में एन की वैल्यू भी 2, टाइम भी 2 ईयर्स, तो बच्चों को लगता है कि जो टाइम है वही टाइम पीरियड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द CI ऑन ₹2000, मतलब हमें प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है ₹2000 फॉर 9 मंथ्स, टाइम दिया है हमें 9 मंथ्स। अच्छा, रेट हमें दिया है 40% पर एनम, ध्यान रखना पर एनम, और हमसे पूछा गया है कंपाउंडेड क्वार्टरली,
तो कंपाउंडेड क्वार्टरली में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपाउंडेड क्वार्टरली में दो चीजें चेंज होगी, एक तो एन की वैल्यू निकली गई यहाँ पर, क्वार्टर का मतलब ही आपको पता है 3 मंथ्स, अब टोटल टाइम यहाँ पर 9 मंथ्स है, तो तीन तीन महीने के 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स, तीन तीन महीने के 3 पीरियड्स बनेंगे, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, और रेट, क्योंकि क्वार्टर है, रेट इज इक्वल टू 40/4, इट्स गोइंग टू बी 10% क्वार्टरली। ओके, और अब आप जब फॉर्मूला यूज करेंगे आपको सीआई निकालना है, पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 होल टू द पावर एन। ठीक है, क्योंकि इस अमाउंट के फॉर्मूले में कहीं आपको टी दिखेगा ही नहीं, आपको एन ही तो निकालना है, एंड एन इज नॉट टाइम, इट इज टाइम पीरियड। तो इफ यू पुट द वैल्यूज हियर, प्रिंसिपल इज 2000, ठीक है, 1 + R की वैल्यू 10% आ गई अपॉन 100 होल टू द पावर 3, तो 0 से 0 कैंसिल, सो इट्स गोइंग टू बी 2000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 11 × 11 इज 121 121 121 इज गोइंग टू गिव यू 1331, और 1331 इंटू 2 इज गोइंग टू गिव यू 2662। ठीक है, 2662 इज गोइंग टू बी अमाउंट, आपसे सी आई पूछा है, आपको बताइए सी आई होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज 2662 माइनस प्रिंसिपल इज 2000, तो 662 रुपीज इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द सी आई। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप टाइम से एन नहीं निकाल सकते और रेट से कंपाउंडेड क्वार्टरली का रेट नहीं निकाल सकते, तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा, नहीं तो है बहुत सिंपल, सिंपल सी कैलकुलेशन है। ओके, सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा, इसी तरीके की अगर आपको पूरी कॉन्सेप्ट सीरीज देखनी है तो आप इस आर एम सी मैथ्स कॉन्सेप्ट सीरीज की प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले एंड हिट द बेल आइकन सो यू गेट ऑल द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, कॉमेंट करके जरूर बताने कॉन्सेप्ट सीरीज आपको कैसे लग रही है, आप लोगों की और भी डिमांड्स आ रही है, हम उसको भी फुलफिल करेंगे, ओलंपियाड के क्वेश्चन भी लाएंगे, टाइम एंड वर्क भी बच्चे कह रहे हैं, विल कवर ऑल दिस टॉपिक्स। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू सून।